रावण मार्ग, यहीं से पांडव स्वर्ग को गए थे। स्वर्गारोहण का मार्ग है ये। इस गुफा पूरी पत्थर के अंदर है, चट्टान के अंदर, इसी के अंदर है गणेश जी की गुफा। जय हो गणपति महाराज की। और ये दीदी दे रही हैं चाय, इनकी है भारत की प्रथम चाय की दुकान। आप यहीं से हुए दीदी वैसे? हाँ, यहीं के। अच्छा, बस माणा के। अच्छा, और सर्दी के टाइम में आप यहीं रहते हैं या नीचे चले जाते हैं? गोपेश्वर आपका घर? अच्छा, पीते हुए माणा गांव में फर्स्ट चाय की दुकान में आज हमने यहाँ चाय पी और समोसे खा रहे। और यहाँ से माता सरस्वती निकल रही है, इस पहाड़ी इस पत्थर के नीचे से माता सरस्वती का जो नदी है वो यहाँ से निकलती है। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं इस पत्थरों के अंदर से, इतनी बड़ी जो सरस्वती माता है और ये निकल रही हैं। आगे जाके यही अलकनंदा में मिलके इनका संगम हो जाता है, माता सरस्वती और अलकनंदा का। दोस्तों तो यार हम पहुंच गए बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद, और हम पहुंच गए माणा, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। पहले से ये इंडिया का सबसे लास्ट विलेज कहा जाता था, पर आज इसको मोदी जी ने इंडिया का फर्स्ट विलेज कह दिया है, बना दिया है। तो हम यहाँ पे माणा में आए हैं और आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू है। और ये है हमारे भारत का प्रथम गाँव, भारत का प्रथम गाँव माणा, फर्स्ट इंडियन विलेज आप देख सकते हैं। यहीं से इंडिया का फर्स्ट गांव लगता है। और ये है यहाँ का शानदार सा व्यू। और सभी लोग यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं और हम भी लेते हैं एक दो फोटो, तो आप लोग को भी दिखाते हैं, आप लोग बने रहना। और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है कप्पू का, तो फोटो शूट करवा रहे हैं और सभी लोग को यहाँ ठंडा हो रहा है। ऊपर से बारिश आ रही है और बहुत ही जाड़ा हो रहा है, अरड़पट्ट हो गए हैं मेरे हाथ। और ये है यहाँ का शानदार सा व्यू। और इतने बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने हैं यहाँ पे। ये है माणा विलेज, इंडिया का प्रथम गांव, और इसी के उधर से चाइना बॉर्डर लग जाता है। पर ऊपर को है इतनी बहुत बहुत बड़ी 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 पहाड़ियाँ हैं यहाँ। और ये पहाड़ तो ऐसा लग रहा है, देख तो कब्बू कमल के फूल जैसा है, जैसे उसके नहीं आते ऊपर कमल के फूल है, कमल के फूल जैसा नहीं दिख रहा ऐसा बना है ये वाला पहाड़। और ये है पूरा बर्फ का पहाड़, इसके ऊपर से मिट्टी की धूल बैठने से ये पूरा काला और सफेद मिक्स हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। और ऊपर से आ रहे हैं झरने जैसे पानी के। ये है बर्फ का टिल्ला माणा विलेज से पहले, बर्फ का टिल्ला, ये बर्फ पानी आना ना, बर्फ जैसा हो गया ना, बस ठंडा हो गया, जो गिरेगा ना पूरा खींची जाएंगे। ऐसा कैसा हो रहा है? ये पानी ने बना रखी गुफा। हाँ। पानी ने गुफा बना रखी, पहाड़ी के बीच में बना है गुफा। ये जो है माणा विलेज को कनेक्ट करने के लिए अब पुल बनाई जा रही है ये। और सामने है हम भारतीय तिब्बत सीमा का कैंप। ये है माणा में जय महावीर घंटा कण प्रेश द्वार। Yeah.
समुद्र तल की ऊंचाई 10,000 130 वेद व्यास गुफा की तरफ, और आपको भी ले चलते हैं पहाड़ी जो रास्ता होता है पत्थरों से, और यहाँ सीसी मार्ग भी नहीं है, पत्थरों से बनाया हुआ रास्ता है, ये भी बिल्कुल सीसी मार्ग जैसा। और ये है सेब का पेड़, और यहाँ पे लगा रखी है गोभियां। पहुंच गए हैं गणेश गुफा में, और यहाँ श्री गणेश गुफा, तो आप सभी को दर्शन कराएंगे गणेश गुफा की। पूरी पत्थर के अंदर है, चट्टान के अंदर, इसी के अंदर है गणेश जी की गुफा। जय हो गणपति महाराज की। है गणेश जी की गुफा, और यहाँ पे है परिक्रमा मार्ग, इससे परिक्रमा करके आ गए हैं। चलो ले लो पहले आगे। और हम जा रहे हैं वेद व्यास गुफा, गणपति गुफा से वेद व्यास गुफा की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना प्यारा झरना जैसा आ रहा है नीचे को, ऊपर हैं पूरे सेब के पेड़ लगा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं वेद व्यास गुफा की, और नीचे थी गणपति गुफा। हाँ, ऊपर पहाड़ों में पूरी बर्फ अभी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, और नए पेड़। हाँ, ये नीचे नीचे पूरे नए नए पेड़ों लगाए गए होंगे। और ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे वेद व्यास गुफा के सामने ही है। ये है वेद व्यास गुफा, और ये है वेद व्यास गुफा शिला के अंदर। हाँ, और ये दीदी दे रही है चाय, इनकी है भारत की प्रथम चाय की दुकान। आप यहीं से हुए दीदी वैसे? हाँ, यहीं के। अच्छा, बस माणा के। अच्छा, और सर्दी के टाइम में आप यहीं रहते हैं, नीचे चले जाते हैं? गोपेश्वर। गोपेश्वर आपका घर? अच्छा, तो ये पीते हैं हम दीदी के हाथ की चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो आपको चाय पीते हुए माणा गांव में फर्स्ट चाय की दुकान में आज हमने यहाँ चाय पी और समोसे खा रहे। समोसे। हाँ, और ये लोग आए हैं देहरादून से, कैसा लग रहा है फिर आप लोगों को बताइए तो जरा। बहुत मजा आ रहे हैं। यहाँ वेद व्यास जी के दर्शन करने के बाद, और हम जाएंगे हम नीचे सरस्वती घाट पे, वेद व्यास की जो गुफा है, व्यास पोथी है, यहीं से वेद व्यास जी ने महाभारत सुनाई थी और जी ने नीचे लिखी थी उसे, यहीं से महाभारत का पूरा निर्माण हुआ था। पूरी महाभारत गणेश जी ने नीचे लिखी थी और यहाँ से वेद व्यास जी ने सुनाई थी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा नजारा है यहाँ का। और ये यहाँ के बच्चे हैं, हेलो लोकल, और ये इतने खुश हो रखे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इनकी मजा आ रहा है यहाँ पे। गुड गुड बॉय। अलकनंदा नदी, और यहाँ से इनका बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। आदत है उनको, देखो तो उसको डांस कर रहा हो। जय हो। यहाँ पे और हम पहुंच चुके हैं सरस्वती धाम में, और यहाँ पे है माता सरस्वती वीणा वादनी, और इस पहाड़ी के नीचे है माता सरस्वती धाम, यहाँ पे है वीणा वादनी माँ सरस्वती का मंदिर, और इस संगम पे यह है सरस्वती नदी। आप देख सकते हैं, दर्शन करते हैं माता सरस्वती की, और ये नदी यहीं से निकलती है माता सरस्वती, और यहीं पे विलुप्त तो हो जाती है। इनको गणेश जी का श्राप है क्योंकि ये कलकल कलकल कर रही थी,
हम ये हैं वेद व्यास जी और गणपति देव और अंदर है वीणावादिनी माता सरस्वती। तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से माता सरस्वती निकल रही है इस पहाड़ी इस पत्थर के नीचे से। माता सरस्वती का जो नदी है वो यहाँ से निकलती है। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं इस पत्थरों के अंदर से इतनी बड़ी जो सरस्वती माता है और ये निकल रही हैं। आगे जाके यही अलकनंदा में मिलके इनका संगम हो जाता है माता सरस्वती और अलकनंदा का। और ये सरस्वती माता का जल रखा है यहाँ पे और इससे आप पढ़ सकते हैं सभी पापों का नाश होता है और उनका जो परिवार है वहाँ पे विद्या बुद्धि के प्रयोग में आता है। तो इन्होंने रखा है यहाँ पे जल। माता सरस्वती नदी है, आगे जाके इसको अलकनंदा में इसका मिलन होता है तो इसको अलकनंदा ही कहा जाता है। और ये इस पहाड़ी से निकल रही है तो आपको हमने ऊपर की साइड को दिखाया था और नीचे से ये है यहाँ का सुंदर सा व्यू आप सभी लोग देख सकते हैं। और माता सरस्वती की जो नदी है माता सरस्वती का और अलकनंदा का संगम आगे जाके होता है तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी जगहों पर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान दिख जाएगी, यहाँ पे सभी जगह आजकल यही बोर्ड लगे दिख रहे हैं। रोहन मार्ग यहीं से पांडव स्वर्ग को गए थे, इसी रास्ते से वो इसी रास्ते से गए हैं, इसी रास्ते से स्वर्गारोहण का मार्ग है ये। और स्वर्गारोहण का रास्ता यही है तो यहीं से हम आपको दिखाएंगे थोड़ा आगे का, उसके बाद हम वापस चलते हैं तो आप लोग बने रहना। तो लोग जा रहे हैं ऊपर को, हम भी चलते से दिख रहा है माणा का जो विलेज है वो माणा विलेज वहाँ है, वहाँ से इतनी दूरी पर है ये मंदिर। और यही ऊपर यही है वेद व्यास की गुफा और नीचे थी गणेश गुफा। तो हमने सारी जगहों के आपको दर्शन कराए। और यहीं से ऊपर को है जो पांडव गए थे, झील है ऊपर तो यहाँ तो हम भी नहीं गए तो यहीं से आपको ऊपर नीचे को ले इससे आपको नीचे को ले चलते हैं। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ। सरस्वती माता के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं नीचे को। तो यहाँ हो रही है बहुत तेज बारिश और आप सभी लोग देख सकते हैं ठंडे से कुकड़ 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 कर लिया कब्बू उसने पूरी स्वेटर, ये बब्बू की हालत और नीले हो गई इसके ठंड से। लेके आए हैं माता सरस्वती के चरणों से वही वाला जल जो माता सरस्वती निकलती वहाँ से लेके आते हैं। इससे हम अपने घर में अपने अम्मा को, क्योंकि जो हमारी सासू में वो नहीं आई तो हम यहीं से उनके लिए जल ले जा रहे हैं, इसी जल से हम उनको घर जाके नहलाएंगे। सबसे पहले वही हमारे पितृ हुए और हमारे पितर तो चले गए।